हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ समीक्षा, आप देख रहे हैं समीक्षा प्रज्ञा बीकन फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, रक्षाबंधन स्पेशल आ रहा है तो पहले तो डिसाइड हो जाना चाहिए आपको कौन सा क्या कपड़ा पहनना है, मेकअप वगैरह सब कुछ तो डिसाइड होना चाहिए। आखिर रक्षाबंधन आने वाला है तो मेकअप लुक तो होना ही चाहिए। हम लड़कियाँ मेकअप की तो दीवानी होती है, बस हम लोग ओकेज़न ढूंढते हैं कब मेकअप करें। तो कुछ इसी तरीके का ओकेज़न आ चुका है हम लोगों के लिए, और वीडियो देख के मेकअप सीख लो ताकि जब आपका रक्षाबंधन आए उस दिन आप इस वीडियो को देख करके आप मेकअप इस लुक को क्रिएट कर सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, लेट्स गो स्टार्ट। मैं यहाँ कामा आयुर्वेदा का टोनर लगा रही हूँ जो लेवेंडर प्योर वाटर एक्सट्रैक्ट है। इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग हो जाती है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। और मैं यहाँ फेशियल ऑयल लगा रही हूँ जो गुड वाइब्स का है, ये मेरा फेवरेट है। इससे आपकी स्किन बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज हो जाती है, जो फाउंडेशन लगाने के लिए आपके स्किन को एकदम प्रिपेयर अच्छे तरीके से कर देती है, इससे पैची नहीं लगता है। और थोड़ा सा और मुझे चाहिए था, मेरा स्किन थोड़ा और अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए, तो मैं यहाँ निविया का ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ कुछ इस तरीके से, और डैप डैप करके पूरे फेस को अप्लाई कर लेना है। फिर मैं यहाँ पे वेला वर्स्टाइल का, आई थिंक यही है, मैं उसका प्राइमर लगा रही हूँ। इससे आपकी स्किन एकदम बेबी की तरह सॉफ्ट हो जाती है, ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इससे आपकी मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है और फाउंडेशन को लगाने के लिए एक अच्छा खासा बेस मिल जाता है। इससे कोई ग्लो नहीं आएगा, बस हाँ फाउंडेशन लगाने के लिए एक बेस अच्छा खासा तैयार हो जाता है। मेरा फेस रेडी हो चुका है फाउंडेशन लगाने के लिए, और मैं यहाँ स्टिक वर्की का फाउंडेशन ले रही हूँ। ये मेरे स्किन टोन का नहीं है, बट इसी तरह से मैं अपना इस फाउंडेशन को यूज़ कर रही हूँ। साथ ही आपको भी टिप्स दे देती हूँ, और मेबलिन फिटमी फाउंडेशन है जो दोनों को मिक्स करके एक फाउंडेशन कस्टमाइज में रेडी कर रही हूँ जो मेरे स्किन टोन से मैच कर रहा है। और कुछ इस तरीके से डैप डैप करके पूरे अपने फेस पर अप्लाई करना है, और नेक को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा, नहीं तो फेस और नेक एकदम अलग लगेंगे, तो दोनों को आपको करना है, ठीक है। उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से आप इसे पूरा ब्लेंड कर ली, और ब्यूटी ब्लेंडर को मिक्सर उसे गीला करके उसके पानी को निचोड़ के उसके बाद आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो डैप डैप करके ही आपको करना है, आपको स्वैप नहीं करना है, नहीं तो इससे फाउंडेशन आपका केकी और अजीब सा लगेगा। अगर एकदम मैट फिनिश लुक चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे करके आपको अपने फाउंडेशन को मिक्स करना होता है ब्लेंड, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको डार्क सर्कल्स वगैरह है तो उसे आप कंसील कर सकती हैं, या तो फिर अपनी हाईलाइट करना चाहती हैं अपने कुछ एरियाज़ को तो आप इस तरीके से आप कंसील कर सकती हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे कंटूरिंग कर रही हूँ। इससे क्या होता है, आपके फेस को ना थ्रेडी शेप मिल जाता है, नहीं तो आपका फेस पूरा वाइट वाइट लगता है, कोई शेप ही नहीं पता चलता। तो कुछ इस तरीके से अपने फेस को स्लिम ट्रिम दिखा सकते हैं। अगर आपके चिक्स पे फैट है, नोज़ से आपकी चौड़ी है, तो इससे आप पतला दिखा सकते हैं, इससे एक शैडो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और आप फोरहेड को भी, आप जो भी चीज़ें आपकी जो बड़ी लग रही है इससे आप छोटा दिखा सकते हैं। तो मैं फोरहेड को आपको बस करके दिखा रही हूँ, बट मेरा फोरहेड लगभग फेस के अनुसार ठीक ही है, ठीक है। और एक और टिप्स दूंगी, जब भी आप इसे ब्लेंड करें तो सबसे पहले आप कंसीलर को ब्लेंड करें, जैसे मैं कर रही हूँ, और चाहो तो फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं या तो फिर ब्रश से, ये ऑप्शनल है, ठीक है। और उसके बाद मैं अपनी कंटूरिंग जो मैंने की थी उसके बाद मैं कुछ इस तरीके से डैप डैप करके ऊपर की तरफ इसे कर लूँगी। इस सब का डायरेक्शन अलग होता है कंटूरिंग का, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर एक शार्प ईज देने के लिए मैं यहाँ पे बेक कर रही हूँ लूज़ पाउडर से, जो वाइट टोन है, बस मैं वो डब्बे में डाल रही हूँ, थोड़ा सा अप्लाई करने में ईजी हो जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपनी उसे हाईलाइट कर रही हूँ, शार्प ईजेस दे रही हूँ, अगर मेरे फेस का अच्छे तरीके से कट निकल के आ जाए। उसके बाद पूरे फेस को हम सेट कर लेंगे ताकि मेरा फाउंडेशन क्रीज ना हो। उसके बाद मैं अपनी लिप को मॉइस्चराइज करूँगी कुछ इस तरीके से, जो गुड वाइब्स का, अगेन ये बहुत अच्छा है, बट ओनली समर्स के लिए अच्छा है, विंटर्स के लिए ये लिप बाम नहीं है, ठीक है। मैं उसके बाद यहाँ पे कैमलिन का शायद है ये आई शैडो, सॉरी आईब्रो पेंसिल, मैं इससे स्ट्रोक्स में उसे फिल कर लूँगी। देन मैं अब यूज़ कर रही हूँ अपने आई शैडो क्रिएट करने के लिए कंसीलर, जो उससे ब्लेंड करके इससे कंसील करते हैं अपने आईलिड को, तो इससे आपके आई शैडो का जो कलर होता है वो रियल निकल के आता है। और मैं अपने
और कपड़े के अनुसार मैं यहाँ आई शेडो क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ जो ब्लू कलर का है, बट कुछ इस तरीके से मैं ब्लू और लूँगी और एक और इसका दो सेट्स को मैं मैच करके अपनी ड्रेस का कलर लाने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपनी जो भी आप ड्रेस पहने कुछ उस टाइप का आप अपना आई शेडो क्रिएट करें, बट मैं बाद में इसे चेंज कर दी हूँ और थोड़ा सा रेडिश, मुझे रेडिश दिखना था, रेड मुझे ज़्यादा रेड टाइप का मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद है। तो देख रहे हैं आप, पिंक कलर का कुछ मैं लगा रही हूँ, मतलब रेड करने की कोशिश की लास्ट में कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, जो लिप लाइन सबसे लिक्विड लिपस्टिक आप जब भी लगाते हैं तो पहले उसे लिप लाइन कर लें उसके बाद आप लगाएं, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ का वीडियो थोड़ा सा कट हो गया है, सॉरी। उसके बाद जो लिप कलर में जो बचा था उसी से मैं आई शैडो क्रिएट कर ली हूँ। आप देख सकते हो मैं प्रोडक्ट का मैं काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करती हूँ, तो आप भी सीख जाओगे कैसे यूज़ करना है। मेरे साथ साथ आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और मैं यहाँ स्टिक क्वर्की का ब्लू काजल लगा रही हूँ, सॉरी आईलाइनर, जो काफ़ी अच्छा है। इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, हाईली रिकमेंडेड है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मैं यहाँ काजल लगा रही हूँ जो हाफ ही लगाऊंगी, मैं ज़्यादा काजल मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। और उसके बाद अगर आप अपने आंखों के नीचे थोड़ा सा आप चाहो तो आई शैडो का जो कलर है ना उससे भी आप इसे मर्ज कर सकते हैं। इसे मर्ज करने से आपकी आई शैडो और भी अच्छी दिखती है। उसके बाद मैं यहाँ पे पर्पल का आई शैडो सॉरी मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जो काफ़ी अच्छा है, और इस पर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं अपने चिक्स को ब्लश लगा रही हूँ, मुझे ब्लश लगाना बहुत पसंद है, जो ऑरेंज शेड है मुझे काफ़ी पसंद है ये कलर, मेरा फेवरेट है ये कलर। उसके बाद मैं अपनी हाईलाइट कर रही हूँ अपने चिक्स को, अपने नोज़ को, फोरहेड को, क्यूपिड बोन्स को, और थोड़ा सा आप अपनी जो सीना है उस पर भी थोड़ा सा लगा लेते हैं तो काफ़ी अच्छा दिखता है एक टाइप का। उसके बाद मैं यहाँ पे ज्वेलरी पहन रही हूँ, वैसे मुझे पर्सनली ज्वेलरी पसंद नहीं है, और आप चाहो तो पहन भी सकते हो, बस आपके लिए मैं यहाँ पे ज्वेलरी पहन रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो जूड़ा भी कर सकती हो, मैं यहाँ पे बन बना रही हूँ, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैं आप चाहो तो खुला बाल भी रख सकती हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं सिंपल सा बस आप देख ही लिया आपने कैसे मैंने जूड़ा बनाया, मेरे फेस पर काफ़ी अच्छे तरीके से बन जाता है और सही भी लगता है। और थोड़ा थोड़ा मतलब लूज़ कर लूँगी अपने बालों का, थोड़ा सा बाल निकाल लूँगी, इससे बन काफ़ी अच्छा बनता है। और हाँ, एक और टिप्स दूँगी, अगर अपने फिंगर से आप अपना जूड़ा बनाते हैं तो और भी अच्छा लगता है, एकदम मेसी। ये है मेरा फाइनल लुक, मेरा लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे प्रोडक्ट्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप चाहो तो अपने लिए परचेज कर सकते हैं। अभी अच्छा खासा ऑफर चल रहा है रक्षाबंधन से। ये मेकअप लुक हर कोई क्रिएट कर सकता है, हमारी तरह यंगस्टर गर्ल हो या तो फिर मैरिड वुमेन हो, कोई भी इस लुक को क्रिएट कर सकता है। और ये मैं थोड़ा सा हेवी थोड़ा सा की हूँ मेकअप लुक, अगर आप चाहते हो गर्लिश लुक, टीनेज का अगर लुक चाहते हो तो उसका कमेंट करना, मैं इसका पार्ट टू भी लेकर आ जाऊँगी आपके लिए, प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है। मेरी न्यू वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन होगा उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इस लुक को क्रिएट किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, सबसे अमेजिंग बात है ये। और ये मैं मेकअप लुक 12 बजे की थी, जो अभी 7 या 8 बज रहे होंगे, अभी तक ये मेरा मेकअप लुक पूरा अच्छे तरीके से सेट है, जबकि मैं सेटिंग स्प्रे भी नहीं अपने फेस पे लगाई हूँ। मैं इसका पार्ट टू बहुत जल्द लेकर आऊँगी, पार्ट टू नहीं पार्ट थर्ड जो भी यहाँ बोलो, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ जुगाड़ हुआ है तो चाहिए ही अपनी आपकी समीक्षा मिठाई से लेकर के, गिफ्ट से लेकर के, राखी से लेकर के, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब चीज़ें मैं पार्ट टू में मैं बताऊँगी, मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ रक्षाबंधन, इसका पार्ट टू में आपको इसका